नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अशोका क्लासेज में। आज हम हरियाणा में कौन किस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आइडिया हो गया होगा किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में कौन और क्या है, अर्थात किस विभाग का प्रमुख कौन है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पता कर सकते हैं। इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी HSSC की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष भारत भूषण भारती है। ये आप सबको पता होगा क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट हरियाणा SSC की जो तैयारी करते हैं उन सबको इसका पता होगा। तो भारत भूषण भारती हमारे HSSC के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगर हम हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, दिलीप सिंह हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। अगर हम चुनाव अधिकारी की बात करते हैं तो अंकुर गुप्ता आपके चुनाव अधिकारी हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है आपका यहीं पे, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त, अगर सूचना आयुक्त की बात की जाए, यशपाल सिंगल आपके सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हरियाणा हैफेड बोर्ड का अध्यक्ष, हरियाणा हैफेड बोर्ड का अध्यक्ष की अगर आप बात करते हैं तो ये हरविंदर कल्याण आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रशांत भारद्वाज सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवात विकास बोर्ड का उप अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों आपको बता देते हैं, मेवात विकास बोर्ड का उप अध्यक्ष जो ये होगा आपका CM होगा, मुख्यमंत्री होंगे, जो भी इस समय मुख्यमंत्री हैं, यानी मनोहर लाल खट्टर हमारे मेवात विकास बोर्ड के उप अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के साथ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष जो है गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल। और नेक्स्ट है आपका, राज्य बाल अधिकारी आयोग का अध्यक्ष कौन है। राज्य बाल अधिकारी आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए, ज्योति बैंदा आपके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, अगर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रतिभा सुमन आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, अगर आप बात करते हैं उपाध्यक्ष के, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सुमन दहिया। नेक्स्ट है, यही इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है आपका, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो रेखा शर्मा आपका आंसर होता है महिला आयोग से रिलेटेड। 3 क्वेश्चन आपने देखे यहाँ पे, एक तो है राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, अगर महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए प्रतिभा सुमन, और उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो सुमन दहिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए रेखा शर्मा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात अगर हम करते हैं तो यह है सतीश कुमार मित्तल, और ये डिपार्टमेंट जो स्टेब्लिश हुआ था 5 जून 2005, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है तो आप कह सकते हैं 5 जून 2005 को इस डिपार्टमेंट की स्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी के साथ, राज्य आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। अगर हम आवास बोर्ड अध्यक्ष की बात करें, जवाहर यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। अगर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए
तो भानी राम मंगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अगर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो भानी राम मंगला डिपार्टमेंट की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो आप बता सकते हैं? गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भानी राम मंगला है। और अगर आपसे पूछ ली जाए राज्य गौ सेवा आयोग डिपार्टमेंट की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो आप बता सकते हैं? 16 मार्च 2015 को इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। HPSC की अगर आपसे बात की जाए, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की अगर आपसे बात की जाए, मनबीर भड़ाना आपका आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है HPSC यानी हरियाणा पब्लिक हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट की अगर बात की जाए दरबारी लाल के अध्यक्ष की बात की जाए आंसर होगा सुनीता दुग्गल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य अनुसूचित जाति आयोग का शिक्षा बोर्ड का तो अगर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए सुनीता दुग्गल सिंह राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और राज्य शिक्षा बोर्ड अगर राज्य शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो जगबीर सिंह राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और राज्य शिक्षा हरियाणा माटी सचिव की बात की जाए राज्य शिक्षा बोर्ड सचिव कौन है? तो सचिव है राजन सिंह रोनालिया जो है ये आपका आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हरियाणा माटी कला बोर्ड नेक्स्ट है हरियाणा बोर्ड की बात की जाए कर्ण सिंह अध्यक्ष कौन है? कर्ण सिंह रोनालिया जो है ये आपका आंसर। गार्गे कक्कड़ आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का हरियाणा के डीजी खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए गार्गी कक्कड़ आपका आंसर बनेगा। ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हरियाणा के डीजीपी की बात की जाए जी हाँ श्री मनोज यादव आपका आंसर बनेगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन डीजीपी अगर जेल हरियाणा पूछते हैं तो यशपाल डीजीपी जो जेल के डीजीपी की अगर बात की जाए तो यशपाल सिंघल आपका मनोज यादव बनेगा। हरियाणा आंसर बनेगा कि डीजीपी अगर जेल डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो यशपाल सिंघल आपका आंसर है। और अगर सिंपल डीजीपी पूछते हैं हरियाणा पंजाब में तो उसमें मनोज यादव आंसर बनेगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविशंकर झा अगर न्यायमूर्ति हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के बात की जाए तो चीफ जस्टिस जो है आपके आंसर से जज बने हैं चीफ जस्टिस रविशंकर झा यानी न्यायमूर्ति रविशंकर झा आपका आंसर से। और ये 35वें नंबर के जज बने हैं हरियाणा एवं पंजाब हाई रमेश बलहारा आपका आंसर से। और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके श्रम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन अगर श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बात की जाए रमेश बलहारा पूरा आपका आंसर रमेश बलहारा आपका आंसर से। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बिजली बोर्ड का चेयरमैन कौन है? बिजली बोर्ड चेयरमैन की बात की जाए शत्रुजीत कपूर आपका आंसर बलवान सिंह आपका आंसर डॉक्टर बलवान सिंह घुमंतु। नेक्स्ट है घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग डॉक्टर बलवान सिंह आपका आंसर डॉक्टर बलवान सिंह घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष अग्निशमन राम अवतार वाल्मीकि किसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण की बात की जाए प्रमोद कुमार आपका आंसर बनेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हरियाणा स्ट्रंज एसोसिएशन का अध्यक्ष अगर हरियाणा स्ट्रंज एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कुंजा शर्मा आपका आंसर बनेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से हरियाणा के लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया? अगर आपसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है तो लोक आयुक्त की बात की जाए एन के अग्रवाल आपका आंसर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे तो आईपी वशिष्ठ आपका आंसर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष अगर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाए श्री ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष आपका होगा रणबीर सिंह गंगवा। हरियाणा किसान आयोग हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन अध्यक्ष की बात बलदेव राज महाजन इसका आंसर बनेगा। हरियाणा किसान आयोग के हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए डॉक्टर रमेश कुमार यादव।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसान आयोग के मुख्यालय की बात की जाती है, हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय रामचंद्र 17 चंडीगढ़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका समाज कल्याण पिछड़ा आयोग अध्यक्ष कौन का अध्यक्ष मलिक रामचंद्र जांगड़ा आपका आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इसी के साथ समाज कल्याण आयोग का अध्यक्ष रोजी मलिक का अध्यक्ष समाज कल्याण आयोग सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात करते हैं धनेश अदलखा आपका हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात करते हैं धनेश अदलखा आंसर बनेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि विपणन बोर्ड का लेखा किसे चुना गया, कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए कृष्णा अहलावत आपका आंसर होगा। अगर आप बात करते हैं हरियाणा राज्य प्रधान लेखा उपाध्यक्ष यानी हरियाणा के प्रधान लेखाकार महुआ पाल, सफाई आयोग का उपाध्यक्ष जो है कृष्ण कुमार आपका आंसर। हरियाणा राज्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य नई मुख्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष जो है कृष्ण कुमार बात कर आंसर केसनी आनंद अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हरियाणा सरकार की नई मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अगर मुख्य सचिव की बात करते हैं केसनी आनंद अरोड़ा को नियुक्त किया गया है 1 जुलाई 2019 दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक हरियाणा में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।